Assalamu alaikum, I'm Zoha Sohel, I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist at Al Hamrald Hospital। आज हम बात करेंगे दूध की अफादत के हवाले से। दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है क्योंकि दूध में हमारे पास वो तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल ग्रोथ दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध में वो सब मौजूद है, इसीलिए दूध को एक कंप्लीट डाइट, एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। दूध में सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन्स बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। दूध में मौजूदा वे प्रोटीन्स जो है वो हमारे मसल मास के लिए, हमारे मसल ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। वो लोग जो एथलेटिक्स होते हैं, जो अपना मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो दूध के थ्रू वे प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं तो उनका मसल मास बहुत अच्छे वे में बढ़ता जाएगा। इसके अलावा दूध में हमारे पास पोटेशियम मौजूद है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारी बॉडी की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जो जिम ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि उनके मसल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एक बैलेंस स्टेट के अंदर नहीं होते। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं और पोटेशियम वो कंज्यूम करते हैं तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हैं और साथ में पोटेशियम वो नहीं कंज्यूम करते तो वो मसल्स के नेगेटिव हेल्थ की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो लोग जिनको मसल क्रैम्प्स के इशू रहते हैं, जो जिम ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं, अगर वो अपने डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स कंज्यूम करते हैं तो उनकी मसल स्ट्रेंथ के लिए, मसल एंड्योरेंस के लिए बहुत बेहतरीन है। दूध में हमारे पास पोटेशियम के अलावा कैल्शियम की बहुत अच्छी अमाउंट मौजूद है। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे बचपन में दूध नहीं कंज्यूम करते तो बहुत जल्दी उनको रिकेट्स की शिकायत नज़र आती है। रिकेट्स एक ऐसा मसला है जिसमें हमारी हड्डियाँ जो हैं वो बेंड हो जाती हैं। चेस्ट के ऊपर, बच्चों के ऊपर आपको बीटेड नज़र आएंगे, जिससे उनकी चेस्ट के ऊपर बीट्स आ गए हों। रिकेट्स के ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर ओल्डर एज में जाकर, एडोलेसेंट्स एज में अगर आप लोग दूध नहीं कंज्यूम करते तो बहुत जल्दी ऑस्टियोपीनिया का मसला, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला, पीक बोन मास जो है वो आपका कम होता जाएगा। फ्रैक्चर्स का मसला लोगों में फिर ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि अगर आप दूध नहीं कंज्यूम करेंगे, कैल्शियम आपकी बोन्स तक नहीं जाएगी और आपकी हड्डियाँ जो है वो खोखली होती जाएंगी, और खोखली होने की सूरत में वो किसी भी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो विद टाइम उनके ऊपर फ्रैक्चर का शिकायत आता है, वो टूट सकती हैं। इसके अलावा दूध में हमारे पास लैक्टिक एसिड मौजूद है। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर वो लोग जिनकी स्किन के ऊपर एजिंग का मसला, रिंकलिंग का मसला, स्किन के ऊपर फाइन लाइंस डेवलप हो रही हैं, फाइन लाइंस डेवलप जैसे होती है उसके बाद एजिंग के सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि फाइन लाइंस तब डेवलप होती है जब बॉडी में से पानी की अमाउंट निकल जाती है। हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी होता है और दूध भी पानी का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। अगर अपनी डाइट में आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू वाटर भी बॉडी के अंदर जाएगा और लैक्टिक एसिड भी जाएगा जो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। स्किन के ऊपर फाइन लाइंस डेवलप नहीं होंगी, स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और एजिंग के सिम्टम्स जो है वो बहुत डिले हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे दूध को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें ताकि स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, एज रिलेटेड जो स्किन के इश्यूज़ हैं, उनसे आप बच सकें। क्वेश्चन ये आता है कि दूध का इस्तेमाल हर किस्म के लोग कर सकते हैं कि नहीं। जिस तरह से हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट्स हैं, वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश ये करें कि वो दूध को 2 मरतबा बॉयल ज़रूर करें ताकि उसके ऊपर जो क्रीम आ रही है उसको वो रिमूव करके उसको कंज्यूम करें। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही करें क्योंकि डायबिटीज़ में ये हो रहा होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। फैट सेल्स, आपकी जो फैट सेल्स की एक्यूमुलेशन है बॉडी में वो ज़्यादा हो रही होती है और सेल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही होती है, जिस वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स भी बिल्कुल दूध को स्किम करके उसमें से बलाई निकाल कर उसको कंज्यूम करें और कोशिश ये करें कि रात सोने से पहले बेड टाइम स्नैक में डायबिटीज़ वाले जो अफराद हैं वो दूध का इस्तेमाल रखें क्योंकि अगर वो सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करते हैं तो रात को उनको हाइपोग्लाइसीमिया का जो अटैक है वो नहीं होगा। बहुत से डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ये होता है कि रात को उनकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती है और सुबह जब वो उठते हैं तो उनके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इस मसले से बचने के लिए रात सोने से पहले शुगर वाले पेशेंट्स जो हैं वो दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इशू रहता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स वाले जो लोग हैं वो दूध को अवॉइड करें या उसमें से उसके मिल्क फैट जो है वो रिमूव करके कंज्यूम करें क्योंकि जब आपका गॉल ब्लैडर ख़राब होता है तो वो फैट की एमल्सिफिकेशन और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा होता, तो गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट्स को थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एक दिन में कितनी मिकदार हमें दूध की कंज्यूम करनी चाहिए, तो जो हमारे पास ग्रोइंग एज के बच्चे आ जाते हैं जिनकी हड्डियों ने ग्रो होना होता है वो लोग एक दिन में 2 से 3 ग्लास कंज्यूम करें, इससे कम ना कंज्यूम करें क्योंकि अगर कम कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं जाएगी और दूध के थ्रू जो बाकी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो उनसे फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती है, जो लैक्टेटिंग मदर्स आती हैं, वो कोशिश ये करें कि दिन में 3 से 4 ग्लास दूध के ज़रूर इस्तेमाल करें। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स हैं वो कोशिश ये करें कि रात सोने से पहले एक गिलास दूध का ज़रूर लें। इसके अलावा सुबह नाश्ते के वक्त वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर नाश्ते के वक्त दूध नहीं पसंद तो दही की फॉर्म में आप दूध आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक अपने लंच के अंदर इस्तेमाल कर लें, डिनर के अंदर इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेक श्योर करें कि दूध को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें ताकि इसके अंदर जो मौजूदा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसके थ्रू आप फायदे हासिल कर सकें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दूध के अंदर मौजूदा लैक्टोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसके रेजिस्टेंट होते हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी डाइट में उसका मुतबादल ले सकते हैं। वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दही जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन दूध का इस्तेमाल वो फिर ना करें, वो दही को एज एन ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं।